प्रकाश जी, पहला स्टॉक है HCC। पुणे के सौरभ जानना चाहते हैं कि क्या करें, इन्होंने इसे खरीदा था 34 रुपए पर, 22.30 रुपए पर शेयर लॉस हो रहा है HCC में। 34 जब लिया उन्होंने, वो 35 का जो लेवल था बहुत स्ट्रांग लेवल था, वो ब्रेक हुआ उसके बाद लिया है, उसके बाद तो लगातार गिरावट देख रहे हैं। अब थोड़ा होल्ड कीजिए, अपर रूम में थोड़ा मिलता है तो 15 के आसपास मिलेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का। ग्रैन्यूल्स, पटना से ब्रिजेश का सवाल है, ग्रैन्यूल्स इंडिया के इनके पास है 150 शेयर, इन्होंने से 103.75 रुपए पे खरीदा है। नथिंग टू वरी, 120 का जोन देखने को मिलेगा। अब लगता है फार्मा क्षेत्र में एक गिरावट जो थी वो खत्म हुई है, थम गई है, अब मूव मिल सकता है, होल्ड। 120 के टारगेट का इंतजार कीजिए यहाँ पर। अगला स्टॉक है सेंट गोबेन, हरियाणा से समरजीत पूछ रहे हैं क्या किया जाए इसमें, 1000 शेयर है, 40 रुपए की बाइंग प्राइस, होल्ड ही करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 60 के आसपास है, बस वहीं से बाउंस मिला है, मुझे लगता है टारगेट 70-75-80 लगता है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इनकी कॉस्ट भी तो कम है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोल्हापुर से आलोक जी होल्ड करते हैं इसको, 100 शेयर है, 243 रुपए में खरीदा था, प्रॉफिट हो रहा है इन्हें, बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए, 320 का जोन भी देखेंगे, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, होल्ड कीजिए। हाँ, अगर आपको लॉक इन करने के लिए इस टॉपिक लगाना है तो 280 का लगाइए। 280 के स्टॉप लॉस के साथ इंतजार कीजिए, 300 क्रॉस करेगा। HK माइल्स हिसार से भगवान का सवाल है ये, 440 शेयर इनके पास, 200 रुपए में खरीदा था, अच्छा प्रॉफिट अभी मिल रहा है 8K माइल्स में, ले लेना चाहिए प्रॉफिट, मुझे लगता है कि सर्किट्स ऑन द वे डाउन, सर्किट्स ऑन द वे अप स्टॉक में होना नहीं चाहिए, इसमें दोनों तरफ सर्किट लगते हैं, तो अब 40-50 रुपए मिल रहे हैं आपको, ले लीजिए। और अब वो स्टॉक जिसमें हमने बढ़िया प्रदर्शन देखा, अच्छे नतीजे रहे, बैंक ऑफ बड़ौदा, भोपाल से सुलेमान होल्ड करते हैं, प्रॉफिट इन्हें भी हो रहा है, इन्होंने इसे 130 पर खरीदा था, 5000 शेयर है, तो इस प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा इंतजार करें अभी, और ये 50% तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बाकी 50% पर स्टॉप लगाइए 145 और होल्ड कीजिए, अगर जाता है तो 160 तक तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, अदरवाइज लेकिन स्टॉप जरूर लगाइएगा और 50% प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, 145 का स्टॉप लॉस, प्रकाश जी कह रहे हैं इसका ख्याल रहे बैंक ऑफ बड़ौदा में। रैडिको खेतान, अगला सवाल है मुस्तफा जी का नाशिक से, 55 शेयर है इनके पास, 413 में खरीदा है, ले लीजिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है तो स्टॉक बढ़िया है लेकिन प्रॉफिट मिलता है, ले लीजिए, अब थोड़ा साइडवेज जोन मिल सकता है, शायद लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट ले लीजिए। HDIL ओडिशा से शंकर के पास है, HDIL के 2000 शेयर, 24 रुपए बाइंग प्राइस, सिर्फ अभी अपमू का एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाएगा कॉस्ट में, ये स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लगता है टेक्निकली। KPIT टेक्नोलॉजीज राजकोट से व्यास होल्ड करते हैं, 350 शेयर, 162 में खरीदा है इन्होंने, बहुत बढ़िया, आप तो 300 के करीब है, होल्ड करना चाहिए KPIT टेक्नोलॉजी, यहाँ स्टॉप लगाना है तो एक जरूर लॉक इन करने के लिए स्टॉप लगाइए 260 का, अगर 260 ब्रेक हो जाता तो मुनाफा घर ले जाइए, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, अपमू ऑन है। बॉम्बे डाइंग जयपुर से नीलम मुथरेजा होल्ड करती है, बॉम्बे डाइंग के 100 शेयर, 276 इनकी बाइंग प्राइस रही है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, 300 का जोन भी देखने को मिलेगा। टाटा स्टील सदाशिव होल्ड करते हैं, टाटा स्टील के 35 शेयर, 635 रुपए की खरीद है, 635 का एक कॉस्ट जरूर मिलेगा, अब लगता है लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट है, अपमू मिला है तो, लेकिन मेरे ख्याल से पेशेंस की जरूरत रहेगी, होल्ड कीजिएगा। NBCC अहमदाबाद से प्रतीक होल्ड करते हैं, 100 शेयर, 68.80 रुपए की खरीद रही है इनकी, NBCC में क्या करना चाहिए, प्रॉफिट मामूली सा जरूर, 1.20 रुपए का मिलता, थोड़ा होल्ड करना चाहिए, थोड़ा डिप्स भी मिलेगा लेकिन नथिंग टू वरी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन NBCC में कुछ 64 के आसपास है, तो वहां उसके नीचे एक स्टॉप लगाइए, अब मूव मिलेगा 80 और 90 के जोन पे, जब भी मौका मिले वहां पर निकल सकते हैं। सीक्वेंस साइंटिफिक पुणे से राधिका का सवाल है, 200 शेयर होल्ड करती हैं राधिका, 117 रुपए में खरीदा था, आधा हो गया है, वीक स्ट्रक्चर, थोड़ा अपमूव मिलता तो उसमें निकल जाएगा, 60 के आसपास शायद निकल सकते हैं, लेकिन नुकसान कम होगा लेकिन निकल जाना चाहिए। अगला स्टॉक प्रकाश जी आपके मुनाफे वाले शेयरों में जो था, हीरो मोटो रायगढ़ से अब्दुल इसे होल्ड करते हैं,
3,145 रुपए में इन्होंने खरीदा है, प्रॉफिट तो हो ही रहा है, 90 शेयर हैं हीरो मोटो के। थोड़ा और ऊपर जाएगा 3,300 के आसपास, वहां पर अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो निकल जाइएगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर 2-3 साल भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो होल्ड कीजिए अब्दुल, बिल्कुल सही स्टॉक चुना है आपने, हीरो मोटो, लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो 3,300 इजीली क्रॉस करते हुए देख रहे हैं प्रकाश जी से टेक्निकल चार्ट्स पर। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त हमारे पास था, बढ़ते हैं अब, रुक करते हैं कॉन्टेस्ट हमारे चार्ट का चैलेंज की तरफ। चार्ट का चैलेंज में हम आपको एक कंपनी का एक साल का टेक्निकल चार्ट दिखा रहे हैं, इसे देखकर आपको हमें बताना है कि ये किस कंपनी का चार्ट है। हमने आपको पहला क्लू दिया था सुबह और ये क्लू ये था कि ये एक सिक यानी बीमार कंपनी थी। दूसरा क्लू आपके लिए है कि 2014 से कंपनी में रिवाइवल हुआ है। ये अगर आप शेयर पहचान रहे हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पे CKC लिखिए, अंडरस्कोर देकर शेयर का नाम और फिर अंडरस्कोर देकर अपना नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए, और इसे हमें व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर। तो ये है आपके चार्ट और इसके विजेता का नाम हम आज ही आपको अनाउंस करेंगे आखिरी सौदा में। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगर आप पहचान रहे हैं ये कौन सा स्टॉक है। पहला क्लू आपके लिए था कि ये एक बीमार कंपनी थी और दूसरा क्लू ये था कि 2014 से कंपनी में रिवाइवल हुआ है। और अब बात करते हैं कल के विजेता से, विनय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और विनय जी ने कल बिल्कुल सही पहचाना था कि जो एक साल का टेक्निकल चार्ट वो देख रहे थे वो M&M फाइनेंशियल का था। तो विनय जी सबसे पहले बधाई, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आप जीत रहे हैं 12वां का एक शानदार क्लॉक रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर। और आज के चार्ट का चैलेंज का जो जवाब देगा उसे भी यह इनाम मिलेगा। लेकिन विनय जी आप बताइए कैसे पहचाना आपने, हमारे क्लू से मदद मिली, आप ट्रैक करते थे स्टॉक को और पहचान गए? नहीं मैडम, मैंने स्टॉक को पहले बहुत पहले खरीदा था, उसके बाद तो बेच दिया था, लेकिन मैंने मनी कंट्रोल और ईटी से देख के और उसको थोड़ा ट्रैक किया मैंने, तो उससे मेरे को मालूम पड़ा। और आपका जो क्लू था कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, तो उसमें कुछ ही कंपनीज हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा काम करती है, स्कॉट्स है, M&M है, ये सब है, तो इसीलिए मैंने फिर उसको देख के और फिर उसका पूरा डिटेल देखा तो मेरे को मालूम पड़ गया कि ये M&M फाइनेंशियल ही है। चलिए बधाई हो आपको विनय जी, ये बताइए हम आपकी मदद कर सकते हैं क्या, किसी स्टॉक पर आप सलाह चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की? हाँ, मुझे दो स्टॉक के बारे में बात करना, एक तो है कैपिटल फर्स्ट है, ये जो मैंने लिया था बहुत ज्यादा रेट पे ले लिया, 838 रुपीज में लिया हुआ 100 शेयर, अभी तो 551 ऐसा चल रहा है ये शेयर, तो इसको क्या करना है मैडम? ठीक है, और दूसरा स्टॉक आपने कहा स्टॉक कैपिटल फर्स्ट और इंडस्ट्रीज है, ये मेरे पास 250 नंबर है, 381 की कॉस्ट में है, रेन इंडस्ट्रीज। ठीक है, किस कॉस्ट पर खरीदा आपने? ये 381 पे है। ओके, दो स्टॉक्स प्रकाश जी, दो स्टॉक है, मीना जी की मदद कीजिए। कैपिटल फर्स्ट में तो बहुत नुकसान, 838 के भाव पर खरीदा है और अभी कहाँ नजर आ रहा है। रेन इंडस्ट्रीज भी ऊंची खरीद रही है, 381 के लेवल्स पर खरीदा है, अभी वहां से तो काफी नीचे। इन दो स्टॉक्स पर विना जी को क्या करना चाहिए अभी? जरूर देखिए, कैपिटल फर्स्ट स्टॉक है तो वीक स्टॉक, अपर रीजन्स में जो सेलिंग प्रेशर था उसके बाद जो गिरावट आई है, लेकिन लगता है कि कैपिटल फर्स्ट अब ट्रेड करा है जहां पर, लगता है यहां से एक बाउंस मिलेगा। अगर यहाँ से बाउंस मिलेगा तो कहाँ तक जाएगा, 660 के आसपास जाएगा, वक्त लगेगा इनको वहाँ जाते जाते, लेकिन ये जगह बेचने की नहीं है, लॉस बुक करने के लिए नहीं है, तो आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। थोड़ा और भी इंतज़ार करना पड़े, थोड़ा और भी पैन देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 660 तक चला जाएगा, वहाँ पर चाहे तो एक फ्रेश लुक लीजिएगा। रही बात रेन इंडस्ट्रीज़ की, वेल ये स्टॉक में काफ़ी हद तक हमने गिरावट देखी है काफ़ी दिनों से, लेकिन इसमें लगता है कि इसमें टर्न अराउंड करते करते बहुत वक्त लगेगा। एक लेवल देता हूँ ध्यान दीजिएगा 205 का, जब ये 205 क्रॉस कर लेगा फिर एक शायद आपको मिल सकता है, लेकिन इस स्टॉक में थोड़ा वीकनेस नज़र आ रही है, लेकिन लोअर लेवल से सपोर्ट है 175 में, इसको टर्न करते करते बहुत वक्त लगेगा, इसलिए जब भी मौका मिले इसमें से निकल जाइएगा।
ठीक है, तो यहाँ से आप जब भी एक मोमेंटम नजर आए निकल जाएगी, क्योंकि आपकी खरीद बहुत ऊंची रही है, 381 की आपकी बाइंग रही है, उससे काफी नीचे है रेन इंडस्ट्रीज का। तो धन्यवाद विनय जी, बधाई आपको एक बार फिर से जीतने के लिए चार्ट का चैलेंज में सही स्टॉक को पहचानने के लिए। और हमारा कॉन्टेस्ट चलता रहेगा, आप भी देखते रहिए CNBC आवाज, CKC का हिस्सा बनिए, जवाब दीजिए सही और हमारे साथ जुड़िए, हमारे एक्सपर्ट से भी बात कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक यहीं पर हम लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। तो सुपर हिट कॉल टेक महिंद्रा और अभी निफ्टी का टॉप गेनर ऑलमोस्ट 4% की बढ़त को यह हासिल करने वाला है। और वाकले जी हमारे सुबह वाले शो में 695 की टारगेट दे रहे थे और उसे बेहद करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, 681-35 के आसपास। टेक महिंद्रा शानदार प्रदर्शन, CNBC आवाज का सुपर हिट कॉल, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया इसे और हमने बताया कि आज उसमें आप देखेंगे जोरदार तेजी और हमारे एक्सपर्ट्स के टारगेट से बस कुछ ही दूर नजर आ रहा है टेक महिंद्रा। और अब रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। मेरे साथ वडोदरा से योगेश जुड़ रहे हैं, योगेश मोदी जी मेरे साथ हैं। नमस्ते योगेश जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे मदद करें आपकी, कौन सा स्टॉक होल्ड करते हैं? होल्ड करता हूं मैडम। कितने भाव पर खरीदा? 280 में खरीदा है, 2000 से। ठीक है, कितना समय देंगे आप? लंबी अवधि का नजरिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है? सकता हूँ एक साल तक। एक साल के लिए, ठीक है योगेश भाई, थैंक यू आपने बात किया। सुनिए जवाब, अब प्रकाश गाबा जी आपको बताएंगे क्या करना है। नुकसान तो आप उठा रहे हैं यहाँ पर वेदांता में, नुकसान पर बैठे हुए हैं योगेश जी, क्या सलाह होगी? प्रकाश जी कैसे हैं टेक्निकल चार्ट वेदांता के, एक साल तक रुकना चाहिए योगेश भाई को? जब 280 ब्रेक हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, उन्होंने वहीं पर लिया है जहाँ नहीं लेना चाहिए था, अब लगातार गिरावट देख रहे हैं, इनका नजरिया एक साल का है तो होल्ड कर सकते हैं, फिर एक कॉस्ट जरूर मिलेगा 280 के आसपास। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है कि होल्डिंग कैपेसिटी तो होल्ड कीजिए, स्टॉक तो अच्छा ही है, एक बाउंस जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है एक 200 अगर बाउंस मिलेगा तो 270 तक जा सकता है, पहले 280 में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 270 में निकल सकते हैं, फिलहाल होल्ड कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लॉस आपका जरूर कम हो जाएगा, 270 के लेवल्स देख रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा वक्त देना होगा, आपने कहा एक साल तक रुक सकते हैं तो रुकिए, 270 जब दिखे कि वहां आ रहा है वहां पर आप एग्जिट ले सकते हैं। इंदौर से सौरभ जैन अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ गुड मॉर्निंग, कैसे मदद करें आपकी, कौन सा शेयर आपके पास है? मैंने डेल्टा कॉर्प एंड प्रकाश इंडस्ट्रीज की जानकारी ली थी। हेलो, डेल्टा कॉर्प जी, हाँ डेल्टा कॉर्प प्रकाश इंडस्ट्रीज जी। कितना समय देना चाहते हैं आप इन्हें सौरभ? मैं लंबी अवधि के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा कॉर्प आपकी बाइंग 176 रही है ना, अच्छा मुनाफा हो रहा आपको डेल्टा कॉर्प में। तो मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ये आगे कैसा क्या रहेगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसको होल्ड करके और रखूँ कि शॉर्ट कर लूँ, क्या है? ठीक है, दो स्टॉक लंबी अवधि का नजरिया, प्रकाश इंडस्ट्रीज इन्होंने खरीदा 135 के भाव पर, दोनों ही स्टॉक प्रकाश जी सौरभ जी के पास जो हैं इनकी बाइंग प्राइस से अभी ऊपर चल रहे हैं, लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं क्या डेल्टा कॉर्प और प्रकाश इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है? डेल्टा कॉर्प की बात करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बेस बना हुआ और अच्छा बेस बनने के बाद बाउंस भी मिला, ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। इसका टेक्निकल टारगेट मुझे 300 और 350 नजर आता है, इनकी कॉस्ट भी कम है तो अच्छी बात है, होल्ड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। रही बात प्रकाश इंडस्ट्रीज की, इसमें 4 रुपये का मुनाफा है, लेकिन इसका जो चार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ा अपमूव मिल रहा है, ये रिएक्ट है अपमूव मिल रहा है, हाँ मुनाफे में बैठे हैं, थोड़ा और अपमूव मिल सकता है, करीब 140-150 तक जा सकता है, वहाँ पर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और निकल जाइएगा। डेल्टा कॉर्प एक बेहतर स्टॉक नज़र आता है स्ट्रक्चरली। ठीक है, डेल्टा कॉर्प लंबी अवधि के लिए बिल्कुल होल्ड है, लेकिन जहाँ तक बात प्रकाश इंडस्ट्रीज की, वो कह रहे हैं थोड़ा सा अपमूव आपको जब नजर आए 145-150 वहाँ निकल जाने में समझदारी रहेगी प्रकाश इंडस्ट्रीज, अभी के लिए होल्ड है प्रकाश इंडस्ट्रीज। मुंबई से अब कुशल जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कुशल नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास जिंदौल 120 शेयर्स है जो मैंने 2 महीने पहले 101 रुपए में खरीदे थे, अभी 88 के आसपास उसका आज रेट है, तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? आपने इसे वैसे ट्रेडिंग के लिए लिहाज से खरीदा था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया ना कुशल? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, हाँ। ओके, तो जिंदल सौ में नुकसान, 101 की खरीद,
88 के आसपास जिंदल स्टॉक। प्रकाश जी क्या किया जाए जिंदल स्टॉक में? गलत जगह पे लिए, 120 में ब्रेक डाउन मिला, उसके बाद इन्होंने लिया। अब लोअर लेवल्स भी देखा उन्होंने, लेकिन अच्छी बात है कि जो अपमू मिला है इस हफ्ते, पिछले हफ्ते ये अच्छा मिला, इसमें लगता है कि अपमू बाकी है यहाँ पर। तो इनकी कॉस्ट 112 की है, मुझे लगता है 100 की तरफ ज़रूर चला जाएगा। 100 में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, और एक बार 100 क्रॉस कर लेगा तो इनकी कॉस्ट भी मिलेगी वहाँ पर। तो 100 में एक फ्रेश लुक लीजिएगा जिंदल सौ में। ठीक है, 100 के आसपास इसके जाने का इंतज़ार कीजिए, वहाँ एक फ्रेश लुक लीजिए। हमें भी आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके आपको सलाह देंगे। और अब विकास जी से बात करते हैं, बिहार से फ़ोन कर रहे हैं विकास जी। नमस्ते विकास, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर आप होल्ड करते हैं, किस भाव पर लिया है? 119 के भाव पर लिया है 100 शेयर स्पाइसजेट का। 119 के भाव पर खरीदा है, कितना समय देंगे विकास जी आप इसको? मैडम ऑलरेडी 3 महीना तो हो चुका है मैम, और मतलब रुका हूँ और लॉस पे बैठे हुए आप यहाँ पर। अच्छा, 19 रुपए के आसपास का लॉस पर शेयर हो रहा है। प्रकाश जी, विकास जी ने स्पाइस जेट को जिन लेवल्स पर लिया उससे नीचे अब आ चुका है ये स्टॉक, क्या करने की सलाह देंगे आप यहाँ स्पाइस जेट में? लगता है हार्ड लैंडिंग इन स्पाइस जेट, मेरे ख्याल से स्टॉक में निकल जाना चाहिए।